जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का भी वर्णन सुनाइए। इससे एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, वह आप कृपा करके बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली, जैसे अग्निकाष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरिक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित होते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तो नरभक्षी असुर बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उस समय राजा पुंडरीक की श्राप से एक भयंकर असुर में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं दो दो योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊँ। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनित भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर असुर बन गया है।
उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा कर आप उसे राक्षस योनि से मुक्त का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्रारी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य रक्त बहाव के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय और समय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।